अब जे कड़े भूले आए और 5 किलोमीटर लौट आए। अब जब ध्यान आओ मोटरसाइकिल के रेस पे आप कम लौट के 5 किलोमीटर फिर गए और कड़े लेके घर में घुसे तो दमकाई से घुस जाते। अगर मैया ने कह दी कि लला ने के माथे में दर्द है रहो है ने के बिक्स की डिबिया ले आइयो और खूब मालूम है बाजार में ही और 10 किलोमीटर हद तक चले आए फिर कह दी के मैया का बताऊ बहुत सोई में कह रहा हूं कछू में भूल लू बाजार में ध्यान तो बहुत करो पर मालूम ना रही काला विचार करना। आज वो 5 साल का बेटा कह रहा है मैया तुम स्नान करो पर एक शब्द कह गई थी मैं तारी का कोई ना आवे बस इस बात को पकड़ गया का कोई ना जावे और जब हाथ में तलवार ली और टेक करके बैठ गए थे चौखट में 5 साल के लेकिन तब तक हुआ क्या। अरे रमीला हो भासमती जी तू चोला घर जा रहा हूं तो महाराज सुनो मेरी मैया स्नान कर रही है और मेरी मैया स्नान कर ले तो चले जाइए। तो भोलेनाथ ने की मेरे ही घर में और मेरो ही लड़का और मोइया रोके हो। देखो प्रभु जी में कोई लड़ाई की बात ना है जब कोई लड़ाई है मेरी मैया जी कही गई है कि मैं स्नान कर लूं तब तक कोई ना आवे और सही बात तो जग बेगत्या नाम ले देती क्या बिने छोड़ के और कोई नाम है तो तुम चले जाते पर मेरी मैया ने कही तो जिदैया का कोई ना भीतर कदम धरो नहीं जाएगी क्रोध बदना पढ़ी आयो
महाराज सुनो, ये मेरी मेहतारी का हुक्म है और मैं अपने मैया के हुक्म का पालन कर रहा हूं। क्या जब तक मेरी मैया स्नान नहीं करेगी तब तक कोई भीतर नहीं जा सकता। बोले नाथ जी, मुझे रोका, मार दूंगा। विनायक ने कही के मारवे की कह रहे हो तो फिर जाऊंगा जमा लो। ध्यान रखना कितना बड़ा पन्ना था आशीर्वाद का पीछे। आज तक शिव जी के हथियार का कोई सामना नहीं कर पाया और तब कही कि मार दूंगा कि बिल्कुल महाराज जाऊंगा जमा लो, पर मर सकता हूं पर मेहतारी के वचन से पीछे नहीं हट सकता। आज भोलेनाथ कहते हैं कि बच्चों मैं मारूं तो दुनिया दोष दे भाई। उसी समय आज त्रिशूल काट दिया दरवाजे और भोलेनाथ ने ध्यान किसका किया है? उस 5 साल के बेटा को हटाने के लिए। किने बोला, अरे करो अब बजुरा कीरे छाती, पर मेरे सामने कष्ट क्या है? क्या मेरा ही अंश और मेरा ही पुत्र मेरे घर की गैल को रोक रहा है? तब मैं तो नहीं मारना चाहता। देवराज इंद्र तुम आओ बहुत जल्दी। एक काम करना, कौन सा? अरे समय मति पल भरी की रे लिए, अरे देवराज इंद्र के लिए हुक्म हुआ त्रिपुरारी भगवान का, करमे बाजल है तब अपने छाती को तुरंत सजाओ और पीठ पे धूल धरिया गुजरा।
ये मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, ये 5 साल का लड़का मार्ग रोक दिया मेरा, तो क्या तो यार राजी हटा दो, मैं मारना नहीं चाहता। तो देव राजेंद्र ने आज जैसे कदम बढ़ाया, हाथ बज लगा हुआ था, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? देवराज, मेरा नाम विनायक है। तनिक जा गैला छोड़ दो, शिवजी अगर अंदर जाना चाहते हैं तो इन्हें जाने दो। एकदम 5 साल के बेटा ने की मारा, तुम देवतन क्यों देवता हो? बच्चा बात है ना नंद, कि मेरी मैया ने कही कहा है कि जब तक मैं नहाए नहीं लू तब तक कोई ना आवे। तो मेहतार या नारिंदो सो तुम चले जाइयो, जो चले जा बच्चा ने नहीं दूंगा। इंद्र ने की भोलेनाथ, प्रभु जी बालक तो बहुत जिद्दी है, जी हटना रास्ता नहीं छोड़ी, अब तुम बताओ क्या करूं? भोलेनाथ ने कही मारक छोड़ नहीं रहा, तेरा आदेश नहीं मानता, तो मैं हुक्म दे रहा हूं तो मार दे। ऐसे बेटा तो बिना बेटे के भले, और सब देवता तारी बजा रहे हैं, जो दुनिया में देवतन को देवता महादेव बनते हैं, और आज अपने ही घर में इन्हीं को लड़का जेल घेरे ढालो है, मार दूं तो मार दे। अब कहिए लड़के जो महाबज्र दिख रहा है, क्या तो कह छोड़ दे और नहीं मार दूंगा। 5 साल का बेटा क्या कहता है? जब बज्र की अच्छे अच्छे वीर चोट नहीं झेल पाए वृत्तासुर से, तो जब 5 साल के लड़का ने एक ही झटका में बज्र छीन के अपने कब्जा में कर लिया, अब कहां जाऊं? भोलेनाथ ने की आजा जाना। आज जहां शिवजी खड़े थे उनके पीछे देवराज इंद्र खड़े हैं, और मन में सोच रहे हैं परमात्मा लड़ाई की हार जीत बाद में हो गई, पर मे तो जी हथियार में सोच रहे तो भोलेनाथ ने क्या कर्म किया है? ताई का ना हुक्म दाओ ब्रह्मा, जगत पिता मति देर लगाइयो, ब्रह्मा शक्ति
संसार के पिता हो, जगत पिता बोले जाते हो, तो आज मेरे ही दरवाजे पे और मेरे ही पुत्र का सामना हो रहा है। और इंद्र लड़के हार गया है, मेरे 5 साल के बेटा ने मेरे घर की रास्ता रोक दिया है। तो मैं जगत पिता ब्रह्मा तुमसे कह रहा हूं, उस ब्रह्म शक्ति जो सबसे मजबूत हथियार है पाले क्या हो। आज जब ब्रह्मा जी आए तब कई भोलेनाथ से कहो कैसे याद कर रहे महाराज, मारक रुक गया मेरे घर का, बड़ी तोहिन भई है। तो जब लड़का क्या तो अकेल हटा दो, वो अगर रास्ता से न हटे तो मैं हुक्म देता हूं कि मार दो। ब्रह्मा जी ने कही कि शिव जी तुम जानते नहीं हो कि ये मेरे हाथ में जो ब्रह्म शक्ति लगी है, चाहे चलाने के बाद कोई बचता नहीं है, चाहता चला दी है वो फिर जिंदा नहीं रहा। अबे तो कह रहे हो फिर बाद में दोष मंदी हो। भोलेनाथ जी की पहले कही के देखो, जब ब्रह्मा जी गए तब कही बेटा तुम्हें जो शोभा दे रही है क्या तुम दरवाजे पर अपने ही बाप रो के ढा रहे हो, क्या रास्ता को छोड़ो। 5 साल के बालक ने की पहले बच्चे बताओ सब देवताओ एक ही मट्टी के बने हो, क्या में कोई लड़ाई है। अरे मेरी मैया जी कह गई है क्या मैं जब तक स्नान न कर लूं तब तक कोई भीतर नहीं आवे। तो सुनो ब्रह्मा जी एक एक करके तो आओ मत, तुम 33 करोड़ सब मिलके एक बार में आओगे तो भीतर पैर नहीं रखे, नहीं आने दो, ये मेरी मैया का हुक्म है। ब्रह्मा जी ने की भोलेनाथ बोलो क्या कह रहे हो, बालक माने हो नहीं मार दू। शिव जी ने की ऐसे बेटा थे तो बिना बेटे ही के अच्छे हम तुम मार दो। इंद्र पीछे तो विचार कर रहा भगवान ने को तुक्का बैठ गया तो मेरी पिस्टन मिल जाए वो मैं पैगा रखूंगा। क्या हुआ आगे शक्ति पकड़ के खींची और टेढ़े हाथ के धक्का दो ब्रह्मा जी पीछे। क्षमा करना गलती मेरी नहीं है, गलती तुम कर रहे हो। जब तक मैया नहाय नहीं ले गई तब तक कोई भीतर जावे होने। ब्रह्मा जी ने की भोलेनाथ मामलो कटे ने बालक कहीं बालक है जी तब बच्चा बता रहे हो। भोलेनाथ जी ब्रह्मा जी अब और ज्यादा बुरी है कि तो बुलातना है तो ही अच्छे, अब और ज्यादा समाज में मेरी हंसी हो भाई कि शिवजी ने मददगार बुलाए और घुसी पाए नहीं। भोलेनाथ तुम कह दो तो हमें जाएंगे कि बच्चे उस पर बाल के तो कह दो हमारा हथियार हमें दे। उनकी महाराज चापो तो नंबर हुई ना, क्रोध मेरे शरीर में स्वास्थ्य है कि तुम जैसे मददगार हो मदद नहीं कर पाए,
अब दो ऑटो पीछे राजा सो देवराज इंद्र खड़े बिना के बराबर में ब्रह्मा जी खड़े अगर निबटारो है जाए तो हत्या तो नहीं है जी नहीं है जाता विचार करो आज तुम्हारे नाम लाइसेंस होए और रात भर कोई छीन के घर में धर ले 50 प्रयास करो कि कैसी मिल जावे देवता दोनों ही टाड़े अब एक पैर पर खड़े हुए हैं शिव जी फंदा अब एक ही जगह रह गई है बस और तो कोई मददगार हुआ नहीं एक पैर पे खड़े भाई ना आज कैसे याद कर रहे हो और सोची और कह रहे हो क्या ले आई हूं आज चक्र सुदर्शन हाथ में विचार करना इतना बड़ा हथियार था क्या पूरे विश्व में दानव समाज देव समाज मानव समाज कोई उस चक्कर का सामना नहीं कर पाया और आज 5 साल का बेटा अपनी मेहतारी के आशीर्वाद से बड़ा कहो कैसे याद कर रहे हैं प्रभु बहुत गलत है वो मैं अपने घर में जा रहा था और मेरे ही बेटा ने और मेरी रास्ता रोकी है तो प्रभु रास्ता रुकी ताबात को दुख ना है दुख तो जाबात को लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जय इंद्र और ब्रह्मा जी दोनों ठाणे में ना तैयार गए तो तुम घर में जाना चाहते हो महाराज बस ने घर में चलो जाओ तो मेरी बात बन जाओ इन दो देवतन के हथियार मिल जाए अंतिम बार मदद को तुम ही बुलायो तो भगवान आज विष्णु आगे गए हैं तब की बेटा विनायक ऐसा करो कि ये तुम्हारे पिता हैं और ये दोनों देवता हैं इन दोनों देवताओं का हथियार वापस कर दो और तुम अपने पिता को भवन में जाने दो दोनों हाथ जोड़े विनायक ने प्रभु एक बात बताएं आप जगत आधार हैं जगत के स्वामी मेरी मैया ने यह हुक्म दे दिया था कि जब तक स्नान नहीं करूं तब तक कोई ना आवे तो प्रभु ने शब्द की पहचान तो करो अगर मैया चिकाई देती कि बेटा तेरे पापा छोड़ के और कोई ना आवे तो इनहू के तह जगह थी अच्छा जी बताओ तब तुम दुनिया के सबसे बड़े सरपंच हो जब लड़ाई का है नेता ही मेरी नहाई ले भाई नहाई के लेकर जा बस वही चले जा भगवान विष्णु बोले शिव जी पंचायती बहुत जान दो जी अब तुम बताओ मेरे बात को जाने मानो नहीं और मैं इसलिए पीछे कदम रख रहा हूं कि पूरे संसार के सब देवता इस बात का दोष देंगे।